छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध जमकर शुरू हो चुका है। कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही मौर्य का विरोध कर दिया। दरअसल फजल नगर सीट से टिकट मिलने के बाद मौर्य के खिलाफ एसपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया और टिकट के दावेदार माने जा रहे इलियास अंसारी के समर्थकों ने मौर्य को बाहरी बताकर उनका पुतला तक फूंका। देखिए, मेरा विरोध न तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से है, न तो हमारा विरोध समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से है। हमारा विरोध बस इतना ही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी स्थापित नेता हैं, उन्होंने पटौना विधानसभा से हर टिक लगाने का काम किया है और जनता उनको अपना नेता मान चुकी है, स्वीकार कर चुकी है। ऐसे में उनको अपनी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए था। हाईलैंड विधानसभा का इतिहास रहा है, यहाँ पर कभी किसी बाहरी को जीत नहीं मिल सकी है। और मेरे साथ ही अनुज मेरे साथ में इस समय जुड़ रखे हैं। अनुज, स्वामी प्रसाद मौर्य को जब समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया तो एक मजबूती की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि पार्टी को मजबूती देंगे, लेकिन यहाँ पर तो उन्हीं का विरोध नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता पुतला फूंक रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो इलियास अंसारी जो हैं वो लगातार लगे हुए थे, उनको ये उम्मीद थी कि फाजिल नगर से उन्हें टिकट मिल जाएगा। वो पूर्व जिला अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया और इसके पीछे की जो वजह है, जो समीकरण बदला है, खासतौर पर आरपीएन सिंह के आने के बाद, बीजेपी में जिस तरीके से आरपीएन सिंह आए उसके बाद लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और ये अटकलें ये थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पडरौना से 3 बार के विधायक हैं, उनके खिलाफ आरपीएन सिंह को लड़ाया जा सकता है। कहीं ना कहीं इस समीकरण को देखते हुए, चूँकि फाजिल नगर की अगर बात किया जाए, इस सीट की अगर पर्टिकुलर बात किया जाए, तो यहाँ कुशवाहा और मुस्लिम वोटर जो हैं वो निर्णायक साबित होते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि ओबीसी के एक बड़े नेता माने जाते हैं और इस सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो जीतता आ रहा है, गंगा कुशवाहा यहां से 2 बार से विधायक हैं। चूंकि यहां कुशवाहा और मुस्लिम वोटर निर्णायक होते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो कुशवाहा समाज से ही आते हैं, ऐसे में एक तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है वो सेफ सीट स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया गया है ताकि स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से जीत हासिल कर सके। लेकिन यही अंदरूनी कलह जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। जिस तरीके से इलियास अंसारी के जो समर्थक थे वो लगातार इस बाबत विरोध कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि बाहरी कैंडिडेट आकर यहाँ चुनाव अगर लड़ेगा तो वो जीत नहीं पाएगा। और चूंकि वहां का समीकरण भी अगर हम समझें तो फाजिल नगर की अगर बात किया जाए, इससे पहले 2 बार बीजेपी के विधायक है जो मौजूदा विधायक है गंगा कुशवाहा, उससे पहले करीब 6 बार जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं और ये दोनों जो नेता रहे हैं वो लोकल नेता रहे हैं। ऐसे में जो तमाम समर्थक है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ से टिकट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो बाहरी। ठीक है अनुज, आप बने रहिए मेरे साथ में। इस समय मेरे साथ में बीजेपी नेता अनिला सिंह भी मेरे साथ में जुड़े हैं। अनिला जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी के नेता जमकर विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी तो ये शुरुआत है, देखिए आगे आगे क्या होता है। ये जो गलत फहमी पाल कर बैठ गए थे अखिलेश यादव जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इन्होंने ज्वाइन करवा लिया अपनी पार्टी को, तो उनको बड़ा लाभ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान होता नहीं, पर हाँ बढ़त होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। नुकसान अगर मुझे कहीं दिखाई दे रहा है तो समाजवादी पार्टी के खेमे में दिखाई दे रहा है। जब कार्यकर्ता ही उनका विरोध कर रहे हैं तो चुनाव उनको कौन लड़ाएगा? आपको लगता है कि ये विरोध बीजेपी के फेवर वाला है? ये सत्यता दिखाने वाला विरोध है कि समाजवादी पार्टी में कल आए, आज टिकट लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वही मैंने कहा ना, नेता लोग तो हाथ मिला लेते हैं, परंतु अगर वोटर जब तक नहीं जुड़ता है, कार्यकर्ता नहीं जुड़ता है, तो चुनाव जो है वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पर जो विरोध दिख रहा है, मैं तो सीधी सी बात कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कहीं ना कहीं लोग विश्वास दिखा रहे हैं कि कम से कम ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने कार्यकर्ताओं के बारे में काफी कुछ सोचता है।
ठीक है अनिला सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो अनिला सिंह बीजेपी नेता, उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो विरोध पार्टी के ही कार्यकर्ता कर रखे हैं, ये वहां की ही जो तस्वीर है उसे दिखाते हैं, वास्तविकता को दर्शाते हैं। इसी बीच आज समाजवादी पार्टी की जो नई लिस्ट सामने आई उसमें फाजल नगर से SP ने स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया। टाइम्स ऑफ भारत ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की, उनका क्या कहना है वो सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सरकार ये कह रही है कि RPN के आने से स्वामी प्रसाद मौर्य डर गए, इसीलिए जगह बदल दी। RPN कहीं गए थे क्या? जो लौट के आए तो डर गए। अरे RPN 24 घंटा पूर्णा में रहते हैं, कोई उनको नमस्ते तक नहीं मिलता है, करता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको लोगों ने रिफ्यूज कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, उसको हीरो बना के लाए हैं, और जब भी कभी उनको परखना चाहेंगे तो जो इनकी नज़र में हीरो है परीक्षा में वो जीरो आएगा। तो क्या आप इनवाइट करेंगे RPN सिंह को कि आपके अगेंस्ट आके वो लड़ें? वो कहीं से लड़ें, जहां से लड़ेंगे हम वहां तैयार हैं जाने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं चुनावी समर में कौन आता है कौन जाता है इसकी चिंता नहीं करता हूं। चुनावी समर जीतना है, इस लक्ष्य से मैं समर में कूदता हूं। अच्छा सर, दो सीटों की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस ने आप लोगों को एक तरीके से वॉकओवर दे दिया, ऐसा क्यों? विपक्ष कह रहा है, सरकार कह रही है कि ये टीम ए और टीम बी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आज हताशा और निराशा में चल रही है, क्योंकि मेरे इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। आज उसको प्रत्याशियों के टोटे हैं, यहाँ तक कि केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ सोनिया गांधी जी ने जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ करहल में प्रत्याशी नहीं उतारा है, उनका कदम स्वागत योग्य है। ये एक स्वस्थ परंपरा की नींव डाल रही है, और सोनिया गांधी जी का इससे बड़प्पना जाहिर होता है। वो बड़े दिल की हैं, बड़े सोच की हैं, और समाजवादी पार्टी ने भी कई मौके पर रायबरेली जनपद में जब सोनिया गांधी जी पार्लियामेंट चुनाव लड़ने आती हैं तो उनके खिलाफ भी प्रत्याशी नहीं उतारी है।